जो हमारी बेटियां और बहनें जिनके पास पहले से ये सुविधा नहीं है, जो दूसरा अल्टरनेट ईंधन जलाती हैं, उनको ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 के अधीन उनके फार्म भरे जा रहे हैं और उन्हीं को जो भारत सरकार द्वारा जो बेटियां पात्रता के मापदंड पूरे करती हैं उनको हम कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। इसमें एक भरा हुआ सिलेंडर 14.2 का, जहाँ 2 सिलेंडर 5 केजी के, एक रबड़ पाइप, एक सिलेंडर रेगुलेटर और एक चूल्हा दिया जा रहा है। तक हम 10,000 का आंकड़ा जो बेटियों को दे चुके हैं और 16,000 एप्लीकेशन हमारे पास अभी इन प्रोसेस है। नमस्कार जी, मैं हूं गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं खबर लाल टीवी। दोस्तों, समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ योजनाएं लेके आते रहते हैं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए। अभी जो योजना चल रही है उनकी ये प्रवासी जरूरतमंद महिलाओं को फ्री घरेलू गैस कनेक्शन बांट रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँचे हैं अरुण इंडियन गैस एजेंसी के पास। इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पर गैस कनेक्शन दे रहे हैं बहनों के लिए, लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, जो प्रवासी हैं, जो लुधियाने के बाहर रहती हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं या किसी और स्टेट से यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुकी हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको अगर पूरा करते हैं तो इनको गैस कनेक्शन फ्री में मिलता है। तो उसकी कुछ कंडीशन है, वो पूरी हो जाएगी तो ये गैस कनेक्शन उनके नाम पर ही मिलेगा, ना कि उनके हस्बैंड के नाम पर, ना उनके भाई के नाम पर। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेडीज़ आए हैं, बहनें आई हुई हैं, तो कनेक्शन के लिए लाइन लगा के और अपनी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं आधार कार्ड की, तो उसके बाद उनको गैस कनेक्शन मिलेगा। तो आइए यहाँ के हेड है, उनसे बात भी करते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर है उनसे बात करते हैं। तो आपका चैनल वालों का स्वागत है, आप हमारे भारत के चौथे स्तंभ हो और आप ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं या जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाई जाती है गरीब बंदों के लिए, उनको एंड माइल मतलब लास्ट बेनिफिशरी तक पहुँचाने का आपका सहयोग है। इसलिए आपका धन्यवाद दोबारा फिर करता हूँ कि आप आज यहाँ पधारे, आप आए और ये प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उसको जन जन तक पहुँचाने में आप हमारा और हमारे कंट्री के जो प्रधानमंत्री जी उनका सहयोग करें। सर, फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं लोगों को, तो क्या कहना चाहिए, कहाँ कहाँ के एरिया में आप कवर कर रहे हैं? देखिए, ये लुधियाना जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, अरुण गैस की तरफ से हम वहाँ वहाँ पे जो हमारी बेटियाँ और बहनें जिनके पास पहले से ये सुविधा नहीं है, जो दूसरा अल्टरनेट ईंधन जलाती हैं, उनको ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 के अधीन उनके फार्म भरे जा रहे हैं और उन्हीं को जो भारत सरकार द्वारा जो बेटियां पात्रता के मापदंड पूरे करती हैं उनको हम कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। सर, अब तक कितने कनेक्शन आप दे चुके हैं सर आपकी एजेंसी की ओर से? देखिए, अभी हम 10,000 का आंकड़ा जो बेटियों को दे चुके हैं और 16,000 एप्लीकेशन हमारे पास अभी इन प्रोसेस है। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से कितने का टारगेट रखा है इतने कनेक्शन बांटने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सितंबर 2023 में डिक्लेयर हुआ था 75 लाख कनेक्शन और देने का, और आपने पढ़ा ही होगा 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ में कनेक्शन जिसको दिया था उसके घर में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पी के आए हैं। तो ये सिर्फ लेडीज के नाम पे है क्या, जेंट्स का? बहनों और बेटियों के लिए जो अल्टरनेट ईंधन यूज करती है सिर्फ उन्हीं के लिए है, और उनके परिवार में पहले से अगर कोई गैस कनेक्शन नहीं है, गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं है, उन्हीं को मिल रहा है। तो कनेक्शन टोटली फ्री है? बिल्कुल। इसमें एक भरा हुआ सिलेंडर 14.2 का, जहाँ 2 सिलेंडर 5 केजी के, एक रबड़ पाइप, एक सिलेंडर रेगुलेटर और एक चूल्हा दिया जा रहा है। ओके, जो सिलेंडर खाली हो जाएगा तो उसमें क्या सुविधा मिलेगी, कितने का चार्ज? सिलेंडर खाली हो जाएगा, इन बहन बेटियों को 321 रुपए की सब्सिडी आएगी, जो भी रेट जिस महीने का गैस सिलेंडर का रहेगा इनके अकाउंट में। तो साल के वो 12 सिलेंडर ले सकती है, आप ये मानो कि 3840 रुपए उसको हर साल के और बचत आएगी। जो ये कनेक्शन नॉन ट्रांसफरेबल है, ये हमारी इस बहन बेटी जिसके नाम से होगा उसी के नाम से रहेगा। तो बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो कनेक्शन लेने के लिए, क्या क्या कर सकते हो? बहन, जो भी मेरी बहन बेटी है उसका आधार कार्ड, उसके पति का आधार कार्ड, बहन और बेटी जो भी है उसके नाम का बैंक खाता,
और प्रेजेंट यहाँ पे वो रह रही है उसका निवास प्रमाण या उसका सेल्फ डिक्लेरेशन कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं 14 शर्तें पूरी करती हूँ और मैं प्रवासी हूँ। कई बार क्या होता है रह कहीं और रहते हैं लेकिन एड्रेस कहीं और का, तो इसके भी कुछ है आधार कार्ड पे कहीं का भी एड्रेस हो भारत का उसको एक स्वयं घोषणा पत्र देना है जहाँ वो अभी रह रही है उस जगह का। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या प्रोसीजर है ये गैस कनेक्शन लेने के लिए? जी, एक ऑनलाइन फॉर्म है जो आप 520-1005 नंबर पे कॉल करके आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपने फैमिली डिटेल्स, फैमिली मेंबर सभी का आधार कार्ड अपलोड करना है, लिंक और बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल्स। मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये गरीब महिलाओं के लिए है जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको कॉल जाता है, आपका एक KYC होता है अंगूठा लगाकर। आफ्टर द KYC, जब KYC हो जाता है उसके बाद आपको कनेक्शन वितरण किया जाता है। तो इसमें एक ही सिलेंडर मिलता है या उसको डबल भी है? नहीं, एक ही सिलेंडर, एक ही सिलेंडर मिलेगा, 14 किलो वाला। जी, तो इसमें कोई फैमिली मेंबर की भी कोई लिमिट होती है? इतनी मेंबर होंगे तो मिलेगा सर? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जो भी आपके रेजिडेंट पे रिजाइड कर रहे हैं उन सबका आधार कार्ड लगेगा एंड उनके पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो कितने टाइम में ये कनेक्शन पास हो जाता है ऑनलाइन करने के बाद? अगर आप सभी स्टेप्स फॉलो करें तो विद इन अ वीक से 10 डेज में पूरा प्रोसेस हो गया सिलेंडर में। तो उसकी सिलेंडर की डिलीवरी वो कहाँ से मिलती है फिर? सिलेंडर की डिलीवरी हमारे इमरजेंसी के लिए हमारे पास ना पूरे शहर में पॉइंट्स बने हुए, वैसे होम डिलीवरी।